हेलो गाइस वेलकम बैक टू वंस अगेन और आज हमारे पास फिर से है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 का ये लेटेस्ट 2024 मॉडल जो कलर वेरिएंट देख पा रहे होंगे ये भी पूरी तरह से न्यू कलर वेरिएंट लॉन्च किया गया है क्लासिक 350 में बट अगर आप गौर करेंगे तो क्लासिक 350 में जो सिग्नल एडिशन आता है उससे इसका कलर वेरियंट थोड़ा सा इंस्पायर रखा गया है बट इसमें आपको कुछ टेक्स्चर अलग से देखने को मिलेंगे तो पूरी तरह से आर्मी कलर से इंस्पायर्ड लुक देने की कोशिश की गई है काफी प्रीमियम कलर वेरियंट है और आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कम्प्लीट फॉर्मेशन डिटेल में देंगे क्या कुछ नए अपडेट मिलते हैं आपको इस बाइक में प्राइस से लेके फीचर सारी चीजें आपको बताऊंगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो इस स्क्रीन पे आप मॉडल देख पा रहे होंगे इस मॉडल का कलर वेरियंट का नाम आपको कमांडो सैंड के नाम से देखने को मिलेगा यहाँ पे देखेंगे तो आपको खाकी कलर में मैट ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो की थोड़ा सा ग्रीन लुक भी इसको प्रोवाइड करता है काफी प्रीमियम कलर इसका लगता है आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी करंट में एक्सो

इसकी की साइज काफी बड़ी रखी गई है और डुअल एबीएस का सपोर्ट है तो नो डाउट ब्रेकिंग आपकी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है स्पोक यानी तीली वाले व्हील इसमें आपको मिलेंगे ब्लैक कलर के तो गौर कर लीजिएगा तीली वाले व्हील है तो इस वजह से इसमें आपको जो टायर मिलेंगे वो आपको हंड्रेड बाई नाइन्टी का नाइनटीन इंच का ट्यूब टायर देखने को मिलेगा बट ये कस्टमाइजेबल है आप इसमें एलाई व्हील भी इंस्टॉल करवा पाएंगे एलाई व्हील लगवाने के बाद आप ट्यूबलेस टायर भी इसमें लगवा पाएंगे बट उसके लिए आपको चार्जेस अलग से पे करने पड़ेंगे इस चीज का आप नोटिस कर ले जिएगा सस्पेंशन के साइड में साइड रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है जो फेंडर है पूरी तरह से मेटल का फेंडर रखा गया है तो ड्यूरेबिलिटी इसकी आपको काफी लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिल जाएगी फ्रंट का सस्पेंशन हमेशा की तरह 41 mm का देखने को जिसमें वन हंड्रेड थर्टी एम mm का ट्रेवल भी आपको मिल जाएगा सस्पेंशन क्वालिटी काफी बेहतर है इसमें कोई बदलाव आपको नहीं मिलेगा फेंडर पे यहाँ पे देख लीजिए डुअल टोनिंग आपको मिल जाती है साथ ही यहाँ पे ब्लू और लेजर ब्लू का यहाँ पे थोड़ा सा पेंटिंग देखने को मिल जाती है जो कि लुक वाइज काफी खूब लगता है मेन हेडलाइम देखेंगे तो फुल एलईडी सपोर्टेड हेड देखने को मिल जाएगा को चेंज कर दिया गया है फुल एलईडी सेटअप यहाँ पे आपको मिल जाएगा सराउंडिंग में आपको ब्लैक कलर का फिनिश भी मिल जाता है जो जो लुक को काफी करता है जो इसके बल्ब है उसे भी चेंज कर दिया गया है यहाँ पे अब आपको एलईडी पोजिशन बल्ब देखने को मिलेगा एलईडी लाइट आपको इसके पोजिशन लाइट में मिल जाती है जो की नए अपडेट में भी आते हैं इंडिकेटर भी आपको एलईडी सपोर्टेड ही देखने को मिलेंगे लुक वाइज काफी बेहतर लगता है ब्लैक फिनिश इसमें आपको मिल जाएगा अब यहाँ पे लीवर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर देखने को नहीं मिलता है एडजस्टेबल लीवर आपको टॉप मॉडल और स्टेल्थ ब्लैक एडिशन में ही देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्लैक कलर का क्लस लीवर और ब्रेक लीवर मिलेगा यहाँ पे मिरर भी आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेगा राउंडिंग में काफी प्रीमियम लगता है बाकी स्विचिंग क्वालिटी आपको सेम मिलेगी लेफ्ट हैंडल बार पे इन्फो स्विच के साथ लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच इंटीग्रेटेड मिलेगा नीचे आपको साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच आपको मिल जाता है स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर है और इसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है जो की टाइप सी का आपको देखने को मिलेगा तो आईफोन यूजर्स का काफी ध्यान रखा गया है अब आईफोन यूजर भी अपने मोबाइल फोन को अपने आईफोन को बाइक राइड करने के दौरान भी चार्ज कर पाएंगे टाइप सी केबल का यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाएगा जो कि इसके न्यू अपडेट में भी आते हैं राइट हैंडल बार पे इंजन की लॉन ऑफ स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच और हेजर लाइट स्विच आपको मिल जाता है स्विचिंग क्वालिटी में कोई नया बदलाव आपको नहीं मिलेगा ब्लैक कलर का सिंगल ट्यूबलेर हैंडल बार इसमें रखा गया है जो की देखने में काफी प्रीमियम लगता है अब अगर मीटर कंसोल देखेंगे तो मीटर कंसोल यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल ही देखने को मिलेगा बट इसमें एक नई चीज एड की गई है वो है इसमें अब आपको गेयर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिलने वाला है गेयर पोजिशन इंडिकेटर आपको मिल जाएगा यह टॉप मॉडल नहीं है नहीं तो इसमें आपको नेविगेशन मीटर भी मिलता यहाँ पे आपको नेविगेशन मीटर इसमें नहीं मिलता है सिर्फ आपको सेमी मीटर कंसोल देखने को मिलता है स्पीडोमीटर एनालॉग मिलता है बाकी आपको ओडोमीटर ट्रिप मीटर लो फ्यूल इंडिकेटर गेयर पोजिशन इंडिकेटर डिजिटल आपको मिल जाते हैं बैटरी का कनेक्शन नहीं है नहीं तो हम आपको इसे ऑन करके दिखाते बट मीटर कंसोल सेमी मीटर कंसोल ही मिलेगा जिसमें गयर पोजिशन इंडिकेटर को एड कर दिया गया है टैंक पे ई की मैचिंग आपको मिल जाएगी तो श्योर हो जाइएगा लेटेस्ट ओबीडी टू मॉडल है जिसमें एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल पड़ेगा जिसे फ्लेक्स फ्यूल भी आप कह सकते हैं टैंक ढक्कन को थोड़ा सा और प्रीमियम डिजाइन का कर दिया गया है क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पे टैंक ढक्कन इसका मिल जाएगा बाकी टैंक कैपेसिटी आपको सेम देखने को मिलेगी थर्टीन लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी रखी गई है टैंक पे यहाँ पे डुअल टोनिंग आपको मिल जाती है खाकी कलर में आपको ग्रे फिनिश का कलर देखने को मिल जाएगा जो की देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है मैट फिनिश इसमें आपको मिलेगा साइड में आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है लोगो मिल जाता है और उसके नीचे आपको एक यूनिक नंबर देखने को मिल जाता है जो कि इस बाइक का यूनिट नंबर होता है फोर टू वन फाइव फोर सिक्स ये इसका यूनिट नंबर है कि अब तक इतनी यूनिट क्लासिक क्लास का प्रोडक्शन हो चुका है बाकी इसमें सिस्टम आपको मिलता है फ्यूल इंजेक्शन सप्लाई सिस्टम फ्यूल फ्यूलसी काफी बेहतर है इंजन को पूरी तरह से ब्लैक कर दिया गया है यहाँ पे देखेंगे तो ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम आपको मिल जाता है डुअल टाइप का जो की बेहतर स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है थ्री सीसी का फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड बी ए सिक्स टू इंजन इसमें आपको मिलेगा हवा से इंजन ठंडा होता रहेगा जैसे जैसे इंजन पे हवा लगेगी और ऑयल से भी इंजन ठंडा होता रहेगा तो इंजन के हीटिंग की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है BHP की मैक्स पॉवर सिक्स करता है और न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क पे जनरेट करता है पावर और टॉर्क काफी बेहतर है पावर और टॉर्क में कोई चेंजेस नहीं किया गया है इनिशियल टॉर्क किसी तरह से लैक नहीं करता है इंजन पूरी तरह से ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगा जो की वाइज काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है ट्रांसमिशन में पांच गियर आपको मिल जाएंगे और जो गियर लीवर है वो भी आपको ब्लैक कलर का देखने को मिल जाएगा जो इसके फुटरेस्ट है वो आपको फोल्डेबल देखने को मिलेंगे तो गिरने पे टूटने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं और साइड है। पैनल तो जो, जो की देखने में काफी खूबसूरत लगता है और इसके लुक को भी काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है पूरा का पूरा इंजन आपको ब्लैक कलर का मिलता है सीट कम्फर्ट देखेंगे तो सीट कम्फर्ट काफी बेहतर है राइडर के लिए काफी चौड़ी सीट आपको मिल जाएगी पिलियन राइडर की भी सीट आपको ठीक ठाक मिल जाती है सीट कंफर्ट में कोई चेंजेस नहीं किया गया है और इसमें पिलियन राइडर की सीट आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको ट्यूबलर ग्रैब्रिले एसेज में कवर लगवाते हैं तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है यहां पे एक एडिशनल ग्रैब्रिल आपको और मिल जाता है जिसको पकड़ के आप मेन स्टैंड में लगा सकते हैं और साड़ी गार्ड इसमें आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रियर सेक्शन से लुक देखेंगे तो सिमिलर लुक आपको देखने को मिल जाएगा रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है टेल लाइट आपको राउंडिंग में देखने को मिलेगी रेगुलर डिजाइन के और इंडिकेटर भी आपको रेगुलर डिजाइन के मिलेंगे अब रियर सेक्शन के ब्रेक देखेंगे तो रियर सेक्शन में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा टू हंड्रेड mm है सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग इसमें आपको आपको मिलेगा और डुअल एबीएस का सपोर्ट मिल जाता है नो डाउट ब्रेकिंग आपकी काफी बेहतर हो जाती है एबीएस का सपोर्ट है ब्रेकिंग आपको सुपीरियर क्वालिटी की मिलेगी जो रियर का व्हील है वो भी आपको स्पोक व्हील देखने को मिलेगा जिसकी वजह से रियर का टायर 120 हंड्रेड ट्वेंटी का 18 इंच का ट्यूब टायर आपको मिलेगा बट इसमें आप एलआई व्हील इंस्टॉल करवा सकते हैं एलआई व्हील लगवाने के बाद आप इसमें ट्यूबलेस टायर भी इंस्टॉल करवा पाएंगे बट उसके लिए चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे रियर का सस्पेंशन ट्विन ट्यूब इमुलेन शॉक अब्जोर्बर विद सिक्स स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड सस्पेंशन मिलेगा जिसमें आपको नाइनटी एम एम ट्रेवल भी आपको मिल जाता है सस्पेंशन क्वालिटी काफी बेहतर है एग्जॉस्ट यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट आपको मिलेगा जिसपे ब्लैक कलर का मफलर कवर भी आपको मिल जाता है बॉक्स टाइप के स्विंग आर्म के साथ में बाकी की सारी चीजें आपको सेम देखने को मिलेंगी जैसा आपको पुराने मॉडल में मिलता था उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा डायमेंशन वगैरह में भी कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा तो कैसी लगी बाइक और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करिएगा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ अपडेट के साथ तब तक के लिए सभी दोस्तों को थैंक यू नमस्ते जय हिंद